अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रांड न्यूज़ नेटवर्क। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। नाम नहाद ब्लैकमेलर साफियों ने सरकारी दफातर में ऑफिसरान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मंथली लगवाने के लिए इनके खिलाफ दरख्वास्तें देना मकबूल बना दिया गया। मुरीदके शहर में नाम नहाद साफियों ने तहसील ऑफिस में कायम रजिस्ट्री ब्रांच में लैंड रिकॉर्ड पटवारखानों में जाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज करवाने के लिए रजिस्ट्री ब्रांच में बड़े तहसीलदार समेत बाकी छोटे अमले और पटवार खानों में पटवारियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया गया कि हमारा काम किया जाए, वरना हम तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया समेत अखबारात में लिखेंगे। ब्लैकमेलर साफियों ने ऑफिसरान के खिलाफ जाली दरखास्तें डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा सिद्दीकी यूनुस को देना अपना मामूल बना लिया और इंक्वायरी होने पर दरखास्तें बोगस साबित हुई, जिस पर मामले की तहकीकात के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रानी असलम को मजीद इंक्वायरी के लिए हदायत कर दी गई। महकमा रेवन्यू के अमला ने ब्लैकमेल होने की वजह से अदालत और आला अफसरान से रजू कर लिया और मुतालबा करते हुए कहा कि ब्लैकमेलर सहाफत की आड़ में पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल के हवाले देकर जाली रजिस्ट्रियों समेत करोड़ों की रजिस्ट्रियाँ सस्ते स्टाम्प पेपर करवाने पर दबाव डालते हैं। इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें और हमें ब्लैकमेलर और बताखोरों से छुटकारा मिल सके।